गुड इवनिंग सभी को। मैं विशाल प्रसाद आज के इस ओपन अपॉर्चुनिटी सेशन का होस्ट, बाय प्रोफेशन स्कूल टीचर के तौर पे कार्यरत हूँ और इस बिजनेस में गीता को काफी सपोर्ट के तौर पे हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। और जैसा कि आज का ये ओपन मीटिंग सेशन है, तो जो आज के जो स्पीकर है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि उनका नाम वरुण गिरी है और बेसिकली बताएं तो वो कोलकाते में है और बाय प्रोफेशन अगर बताएं तो रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पे कार्यरत हैं अभी आईसीआईसीआई बैंक में। और कहा जाए ना तो ये अपॉर्चुनिटी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी है अनइक्वल पीपल के लिए और ये बिल्कुल दर्शाता है आज के करे काफी यंग हैं, डायनेमिक हैं और काफी एक्साइटेड हैं और इन्होंने इस महीने ही बिजनेस को भी स्टार्ट किया है और बाकी सारी चीजें आप उनसे सुनेंगे। तो मैं अभी उनका वेलकम करता हूँ और आप लोग इस वर्चुअल ऑडिटोरियम में हैं तो उनका वेलकम करें और मैं विशाल प्रसाद वेलकम करता हूं आज के स्पीकर का। ओवर टू यू वरुण। गुड इवनिंग फ्रेंड एंड थैंक्स टू यू ऑल एंड थैंक इंकास्टर टू गिव मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सो माय सेल्फ वरुण, करेंटली वर्किंग इन कोलकाता इन आईसीआईसीआई बैंक और मैं इस बिजनेस को इसी मंथ ज्वाइन किया, समझा और विशाल सर की हेल्प से और आशीष सर के हेल्प से और बाकी सभी के हेल्प से मैं बहुत कुछ समझा और सीखते चला गया और बहुत कुछ सीखना भी है अभी। तो जो कुछ भी हमको इस बिजनेस के बारे में समझ में आया वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लगा, तो मैं इसके बारे में चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ शेयर करूँ और आप भी इसको समझ करके अपने लाइफ को कुछ चेंज कर पाएं। तो फ्रेंड्स, ये जो एक अपॉर्चुनिटीज है ये कोई प्लान नहीं है, ये एक जस्ट लाइक प्रोजेक्ट है। इस पे हमको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। 2 से 5 साल का प्रोजेक्ट है। अगर हम कंटिन्यूअस मैनर में सर के हेल्प से और बाकी सभी के हेल्प से इसको सीखते हैं तो बहुत ही एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज है जिससे कि हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस उन सभी के लिए है जो जिनको लगता है कि वो लाइफ में कुछ चाहते हैं, कुछ बड़ा चाहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं स्टक होकर के रह गए हैं वो 9 to 5 के जॉब के लिए। 9 to 5 के जॉब में जो स्टक रह रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, या फिर उनके लिए जो चाहते हैं कि अब आज उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है 5 साल के बाद उनका फाइनेंशियल कंडीशन और भी अच्छा हो, ये उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है जो 5 ईयर्स के टाइम के बाद अपने आप को कहीं और एक खुद को एक बहुत ही बड़े ब्रांड बनाना चाहते हैं, बहुत ही लाइफ में बड़े कुछ हासिल करना चाहते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज उन सबके लिए है। तो फ्रेंड्स, इस अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं बोलूं तो ये अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए भी है जो अपने लाइफ को खुद के कंट्रोल में करना चाहते हैं। हमारा लाइफ है ये इट्स योर लाइफ, तो फिर इसको कोई और कंट्रोल क्यों करेगा? और जब तक इस लाइफ को कंट्रोल कोई और करेगा, हमारा फ्यूचर कोई और डिसाइड करेगा। इसलिए हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है कि मैं इस लाइफ को, हम सब इस लाइफ को, हमारे लाइफ को खुद से कंट्रोल करूं, खुद के लिए वर्क करूं और खुद का फ्यूचर को मैं डेवलप करूं। जैसे कि सर ने बताया कि मैं अभी रिलेशनशिप मैनेजर हूं, जहां कि मैं इन्वेस्टमेंट से डील्स करता हूं बहुत लोगों का और साथ में इस बिजनेस को फुल्ली सिंसियरली डेवलप कर रहा हूं, पर डे 2 to 3 आवर्स टाइम दे करके सीख रहा हूं, समझ रहा हूं और इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। फ्रेंड्स, जब हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं ना तो उसके लिए वाय बहुत क्लियर होता है। जब तक हमारा पर्पस क्लियर नहीं होगा ना, हम किसी चीज को स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि महाभारत में जो अर्जुन है वो युद्ध स्टार्ट ही नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि उसका पर्पस क्लियर नहीं था। तो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो हमारे जो मेंटर है वो हमारा पर्पस क्लियर किए, हमको एक बहुत ही अच्छा ड्रीम मिला, ड्रीम को मैंने डिसाइड किया, गोल डिसाइड किया और फिर वाय को क्लियर करके हम इस बिजनेस को स्टार्ट किए। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम वाय को क्लियर करते हैं। फ्रेंड, जरा सोचिए कि अगर आपके पास टाइम और मनी, जस्ट इमेजिन टाइम और मनी की कोई बाउंडेशन ना हो, कोई भी आपके पास टाइम और मनी का कोई कमी ना हो, तो आप उसी घर में रहना पसंद करेंगे जहां पे आज रहते हैं या फिर उसको बदलना चाहेंगे? अगर आप बदलना चाहेंगे तो ये बिजनेस आपके लिए है। फ्रेंड, जरा सोचिए फ्रेंड कि टाइम और मनी का आपके पास कोई बाउंडेशन ना हो तो फिर आज आप जिस कार से सफर कर रहे हैं उस कार में ही सफर करेंगे,
या अपने कार को भी बदलना चाहेंगे। ऑफकोर्स हमारे पास अगर टाइम और मनी हो तो आज हम जिस वे ऑफ पैसे से ट्रांसपोर्ट करते हैं हम उसको बदलना चाहेंगे। तो ये बिजनेस आपके लिए है अगर आप बदलना चाहते हैं, खुद को चेंज करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को चेंज करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोग चाहते हैं चैरिटी करना, बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस अच्छे हो। क्या आपको पता है जो लोग भी जॉब करते हैं वो एक स्मॉल फैमिली बन के रह जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स को साथ में नहीं रख पाते हैं। फ्रेंड्स, आप देख लीजिए जो बिजनेसमैन है, जो जैन फैमिलीज है, आज उनकी ज्वाइंट फैमिली है क्योंकि वो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट जो लोग भी जॉब करते हैं ना, वो एक अपने फैमिली का भी सेवा नहीं कर पाते हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी एंड टाइम। फ्रेंड्स, पता है आपको, आज हम सब सक्सेस होना चाहते हैं बट कुछ तो डिफरेंस होगी ना सक्सेस और अनसक्सेसफुल पीपल में। सक्सेसफुल पीपल जो भी है वो खुद के लिए एक टीम बनाते हैं, टीम क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप फेसबुक ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए आप टाटा ले लीजिए। ये हर कोई क्या कर रहा है, अपना टीम क्रिएट कर रहा है, जबकि एक आम इंसान एक टीम का जस्ट हिस्सा बन के रह जाता है। तो आपकी च्वाइस है कि आपको एक टीम का हिस्सा बन के रह जाना है या फिर आपको खुद का टीम क्रिएट करना है। अब जब हम टीम क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, यह मैजिक ऑफ टाइम कंपाउंडिंग होता है। वो कैसे होता है बताते हैं आपको। फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन हम अकेले अगर काम कर रहे हैं तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, जस्ट सपोज दैट हम 8 आवर्स पर डे काम करते हैं 5 डेज के लिए, 50 वीक्स तक काम करते हैं। साल में 52 वीक्स होते हैं, आप 2 वीक्स हटा दीजिए कुछ तबियत खराब होना या कुछ होना, तो हम 50 वीक्स तक के लिए काम करते हैं 30 ईयर्स के लिए, तो भी हम लाइफ में 60,000 ही घंटे काम कर पाते हैं। लेकिन जब हम खुद का टीम क्रिएट करते हैं अगर, और 5 साल में अगर हम ऐसा टीम क्रिएट कर सकते हैं, मेहनत करते हैं, और अगर 1,000 पीपल का भी टीम क्रिएट करते हैं तो हम 25 लाख आवर काम कर सकते हैं। इसका मतलब है जो काम हम एक लाइफ में कर सकते हैं वो काम यहाँ 5 साल में 40 जन्म लेने के बराबर हम यहाँ कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। फ्रेंड्स, बात ये भी है कि आप ये जो अपॉर्चुनिटीज है ये आप करेंगे, इसमें मेहनत करेंगे, टाइम देंगे, एफर्ट देंगे, सारा कुछ देंगे, आपको मिलेगा क्या? तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको मनी, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, ये सबका ये जो बिजनेस है ना, ये उसका पैकेज है। यहाँ आपको सारा कुछ मिलेगा। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो आना ही है। साथ में पैसा के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, आपका गुड हेल्थ। यहाँ पे जो सभी एंटरप्रेन्योर है ना 45-50 ईयर्स के, वो देख करके नहीं रखते हैं कि 40-45 ईयर्स के, क्योंकि उनका हेल्थ, एक अच्छा हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं, वो पॉजिटिव एसोसिएशन है और हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे एक मेंटल सिस्टम है जो कि जिनके थ्रू अगर हम जुड़े रहते हैं तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, हम अपने कामों में बिजी रहते हैं और बुक्स रीडिंग करते हैं और टूर्स, ट्रेवल्स, ओनरशिप, इस बिजनेस को हम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। और पूरा का पूरा ऐसा नहीं कि आपको इंडिया में ही करना, अगर आप एक इंडिया में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो ये बिजनेस आपको मौका देती है कि आप वर्ल्ड में कहीं भी अपने बिजनेस को बिल्ड करें। तो ये कितना अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। अब बात होती है जो अपॉर्चुनिटीज है, इसके लिए जो पैसा मिल रहा है, वो पैसा कहाँ से आता है, कहीं ना कहीं से तो आता होगा ना। तो फ्रेंड, क्या होता है ना, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था, अभी तक हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो यूज करते हैं वो एक मैन्युफैक्चरर, एक कंपनी उसको बनाती है और वो सीएफ एजेंट से आता है, वो फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप से आता है, उसके थ्रू होलसेल के पास, होलसेल से रिटेलर के पास, और ये सब से पहुंचाने का जो टाइम है, जो डिस्टेंस, वो बहुत ज्यादा है। तो मैन्युफैक्चरर से हम तक पहुंचाने के लिए बीच में एक बहुत ही बड़े ब्रांड एम्बेसडर आते हैं जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, और ये सब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसा लेते हैं। तो इन सबके बीच 60% जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन इस कंपनी में जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये कंपनी एक मौका देती है कि आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्ट जाएंगे और आप उसको सेल करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यहाँ आपके पास मौका है, ये जो 60% पैसा है उसको आप बिल्ड कर सकें। और ये 60% पैसा कम पैसा नहीं होता, ये इतना पैसा है जिसके लिए अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े एक्टर्स काम करते हैं। तो हमको क्या करना है, खुद को ब्रांड बनाना है, और आप खुद को ब्रांड बनाइए और ये 60% पैसा आपका। ये बिजनेस का मॉडल बिल्कुल सिंपल है। वहां पे क्या था, आज तक हम जहां भी शॉपिंग किए तो क्या होता है, हम कहीं जॉब करते हैं वहां से इनकम आता है, और वहां से क्या किए, हम एक स्टोर पे गए, वहां पे खर्च किए, अपने जरूरत का सामान को लिए,
क्वालिटी जो भी हो क्वालिटी, तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो खर्चे की है। यहाँ पे क्या है, बस हम अपने अगर स्टॉक को चेंज कर दें तो क्या है कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो टर्नओवर में क्रिएट हो जाता है और टर्नओवर से हम इनकम। वरुण आपका वॉइस नहीं आ रहा। वरुण आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ सर, आप ठीक है क्या? जी जी बिल्कुल। हाँ तो फ्रेंड्स, ये जो कंपनी इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज दे रही है, मैं इस कंपनी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। इस कंपनी को 1959 में रिच डेवोस और जे वैन एंडल दोनों ने मिल करके इसको फाउंड किया, फाउंडर्स हैं इसके। और ये जो कंपनी है ये 100 कंट्रीज से ज्यादा के कंट्रीज में अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे से डेवलप की हुई है। इसके जो सेल्स है वो अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास के हैं। ये जो है कंपनी, इसका खुद का ये जो है 50 लाख प्लस पीपल का लाइफ को चेंज कर चुकी है। और ये इनके खुद के 1150 प्लस पेटेंट है और 500 पेटेंट अभी पेंडिंग में, क्योंकि वो भी पेटेंट पूरे होंगे। और इसके लिए खुद के लिए ये जो कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ पे एक दो साइंटिस्ट नहीं, 500 से ज्यादा साइंटिस्ट यहाँ पे काम करती है। एक एक प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए बहुत साइंटिस्ट की टीम है, जिसके बाद ही कोई प्रोडक्ट आता है। तो प्रोडक्ट का क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त होता है। तो ये सारा कुछ इस बिजनेस के बारे में, यहाँ तक कि ये जो बिजनेस, ये जो कंपनी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमें देती है, हर एक प्रोडक्ट ऑर्गेनिक जो होते हैं, ऑर्गेनिक ये रहे, इसके लिए कंपनी जो है खुद की फार्मिंग करती है। उसके लिए 2500 एकड़ की फार्मिंग के लिए खुद की जमीन है इसका, जहां पे हर एक चीज ऑर्गेनिक वे में करती है। ये जो कंपनीज है ये डील्स करती है होम केयर में, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ब्यूटी केयर, ये सारे के सारे डिफरेंट रेंज प्रोडक्ट को ये बनाती है। ये जो फ्रेंड्स थे एमवे इंडिया, ये जो इसका मेन मिशन है, ये जो है सबसे पहले इंडिया में आई 5 मई 1998 में, मतलब कि इस कंपनी को आए हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं। ये जो कंपनी है इसका 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और 2500 करोड़ का ये टर्नओवर करती है। फ्रेंड्स, इसके खुद के जो मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी है तमिलनाडु में, जहाँ पे 650 करोड़ रुपीज ये कंपनी इन्वेस्ट की है। और इसके हर एक प्रोडक्ट 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हैं और 30 डेज के अंदर अगर आप 30% यूज कर लिए और प्रोडक्ट अगर आपको अच्छे नहीं लगे, तो भी आप 30 डेज के अंदर रिटर्न करके 100% मनी बैक गारंटी आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो इंडिया का जो विजन है डेवलपमेंट का, उसके साथ काम कर रही है, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, और हमारे जैसे यूथ जो कि अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज है, उन सबको ये कंपनी एक अच्छा बहुत ही शानदार बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए एक मौका दे रही है। वुमेन एम्पावरमेंट और हमारे जैसे यूथ जो कि अंडर 35 ईयर्स के एज है, उन सबको ये कंपनी बहुत ही अच्छा मौका दे रही है बिजनेस बिल्डअप करने के लिए। तो फिर देर किस बात की, अब जरूरत है हम खुद इस कंपनी में अपने आप को अलाइन करके अपने मिशन को पूरा करें। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि जो कंपनीज है, नेक्स्ट स्लाइड, तो ये जो कंपनीज है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है, नेटवर्क मार्केटिंग होता है क्या फ्रेंड्स, अगर हम खुद के लिए वर्क करते हैं, इंडिविजुअल वर्क हो गया, लेकिन खुद का अगर टीम क्रिएट करके वर्क करते हैं, इसको बोलते हैं एक नेटवर्क, एक टीम के थ्रू वर्क होना। और इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इतनी जबरदस्त है कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज में बिजनेस स्टडीज के बुक में जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए पढ़ाई होती है, उसमें स्पेशली एमवे का एग्जांपल दिया गया है और एमवे के बारे में बहुत कुछ डिटेल बताया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से कितनी जबरदस्त है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम जब काम करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी बेस्ट है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, तो इससे अर्निंग किस तरह से होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और काफी मेहनत करते हैं आप, तो
तो आप एक टीम क्रिएट करते हैं, तो ये सारा कुछ आप करते हैं, उसके लिए आपको ये कंपनी कुछ देती भी है, व्हाट विल यू गेट, आप क्या, आपको क्या मिलेगा। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं पैसों को साइड में रखता हूँ, पैसा तो मिलेगा ही। यहाँ पे सबसे पहले आज के टाइम पे हम एक अच्छे जॉब करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो है एजुकेशन सिस्टम हमको जॉब के लिए तैयार किया है। तो यहाँ पर भी क्या है कि आपके अपलाइन, हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर्स ऐसे हैं कि हम अगर हमारे अंदर सिंसियरिटी देखते हैं तो वो बहुत अच्छे से एजुकेट करते हैं फ्रेंड्स। तो एक तरफ से कंपनी हमको प्रोडक्ट देती है और दूसरे तरफ से क्या होता है, हमको स्पॉन्सरशिप करते हैं, हमारे मेंटर होते हैं जो कि हमको काफी सारा नॉलेज देते हैं, क्लास देते हैं, बोलने का मौका देते हैं, बहुत स्किल डेवलप करते हैं हमारे अंदर। और टाइट से गुरुकुल है हम लोगों का, जो कि जहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल लीडर्स हम लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, और वो खुद एक, हमारे जो मेंटर है वो खुद एक लीडर है, और वो हमको तैयार करते हैं कि हम लीडर बने और खुद का एक टीम क्रिएट कर पाए, खुद को एजुकेट कर पाए और खुद के टीम को इस तरह से एजुकेट कर पाए कि वो भी लोगों को एजुकेट कर पाए। तो यहाँ पे ये जो बिजनेस है, यहाँ लीडर एक दूसरे को लीडर बनाता है, फॉलोअर नहीं बनाता है। तो यहाँ हम टीम बनाते हैं और उस टीम सब, हर एक टीम को ये बताते हैं कि टीम बिल्डिंग कैसे करना है। उसके बाद क्या मिलता है, अब हम बात करते हैं पैसों पे, क्योंकि हर एक काम कहीं ना कहीं पैसों के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से ही आपको 4-10% रिटेल डिस्काउंट मिलते हैं हर एक प्रोडक्ट से। उसके अलावा 8% आपको ट्रेड प्रॉफिट है, इसके अलावा 5% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव है, अप टू 3% परफॉर्मेंस बोनस आपका होता है, उसके तक आपको 5% का CSI इंसेंटिव है। इसके अलावा आपको परफॉर्मेंस बोनस अलग से 3-21% आपको मिलती है, उसके अलग अलग रेंज है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जब आप बिजनेस को डेवलप करते हैं, अपने अंदर एक लीडर्स को क्रिएट करते हैं और लोगों को लीडरशिप सिखाते हैं, तो आपको लीडरशिप प्रॉफिट भी मिलती है, और उसके अलावा डेप्थ बोनस भी 15%, वर्ल्ड टूर, नेम फेम, ये सब बहुत कुछ इसमें। अब यहाँ जो 3-21% परफॉर्मेंस बोनस है वो इस तरह से डिसाइड होते हैं। मान लीजिए कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट किए और 20,000 का टर्नओवर आप क्रिएट किए, तो क्या हुआ, आप 3% परफॉर्मेंस बोनस को अचीव किए और आप बहुत लोगों को बिजनेस सिखाए, खुद सीख रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ऐसे करते करते अगर आप 600 point वैल्यू क्रिएट करते हैं तो आप 6% पे आते हैं, और उसके बाद अगर आप 1200 point वैल्यू क्रिएट करते हैं तो 9%, ऐसे 2400 point वैल्यू है तो आप 2%, 4000 point वैल्यू 15%, 7000 point वैल्यू है तो 18%, और 10000 point वैल्यू है तो 21%। तो इतना ये जो परफॉर्मेंस बोनस ये बहुत होती है, और हमें सब सिखाया जाता है स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे अपने टीम को चेंज कर पाए और कैसे इस परफॉर्मेंस लेवल को हम वन बाय वन करके अपने अपग्रेड करते जाएं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि आपको हर कोई अच्छे से एजुकेट करता है सारा कुछ, और आपके अंदर खुद एक फ्रेंचाइजी, समझ लीजिए कि आप फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं और आप एक तरह से बहुत ही अच्छे स्टार्टअप कर सकते हैं यहाँ से, और रिस्क कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट थिंग, अब सपोज दैट हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, 2-5 साल अच्छे सिंसियरली बिल्ड करते हैं और फाउंडर प्लेटिनम बनते हैं। जो सिल्वर है, अगर हम अपने सिल्वरशिप को 1 साल के लिए मेंटेन रखते हैं तो हम फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं, और अगर आप फाउंडर प्लेटिनम बनते हैं तो ईयरली पैकेज फाउंडर प्लेटिनम की 20-25 लाख की होती है। फ्रेंड ये इनकम जो है एक डॉक्टर, एक इंजीनियर की इनकम होती है, जिनको टाइम लगता है, कोर्स करना पड़ता है 4-5 years, अगर अच्छे जगह से पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन निकाल के, तब वो 20-25 लाख ईयरली पैकेज उनको मिलता है। तो यहाँ पर भी ये पैकेज आपको मिलेगा, बहुत ही सिंपल बिजनेस है लेकिन टाइम लगेगा, सिंपल प्रोसेस है, टाइम टेकन है, बट कंसिस्टेंसी से हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। और ऐसे करते करते जब अगर हम 3 लीडर्स को तैयार करते हैं जो कि प्लेटिनम बनते हैं, जिनको हम एजुकेट करते हैं, तो वो इमरेल बनते हैं, और उनका जो इनकम है वो 56-60 lakh का आता है ईयरली, और वो कम नहीं होता है फ्रेंड। इन आज हम ऐसे ऐसे सभी लोगों से मिलने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि इस इनकम को जनरेट कर रहे हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत से लाइफ को चेंजेस कर रहे हैं। और इसके बाद एक डायमंड शिप आता है, जो लोगों का सपना होता जाने का,
और यहाँ पे क्या है कि जब हम लोगों को ट्रेनिंग करते हैं और सिक्स पीपल्स को प्लेटिनम बनाते हैं, प्लेटिनम बनने के लिए हेल्प करते हैं, तो हम फाउंडर डायमंड बनते हैं और ये लगभग लगभग 1 करोड़ से 1.20 करोड़ तक का एनुअल इनकम का पैकेज होता है। ये पैकेज बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें सिंसियरली काम करना पड़ता है, प्रोजेक्ट समझ के काम करना पड़ता है। ये कोई प्लान नहीं है, ये प्रोजेक्ट है और इसको समझना पड़ता है। हमारे जो प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन न्यूट्रलाइज सप्लीमेंट, ये वर्ल्ड के नंबर वन सप्लीमेंट है और इसके ब्रांड एम्बेसडर खुद अमिताभ बच्चन है। और इस प्रोडक्ट को हम जब यूज करते हैं ना, तो हमारे अंदर एनर्जी भी मिलती है और लोगों को एनर्जी भी क्रिएट करते हैं। इसके अलावा भी जो है हम स्किन केयर, आज के टाइम से पता है फ्रेंड्स, इंडियाज में नहीं सिर्फ पूरा वर्ल्ड में कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज और ट्राइकोलॉजिस्ट इंडस्ट्री, जो कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो बिजनेस होता है और स्किन का जो बिजनेस है, बहुत ही बूम कर रहा है और एक अच्छा खासा जनरेट कर रहा है इनकम। और हमारे जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी एटीट्यूड का और आर्टिस्टिक ब्रांड का स्किन केयर है, जो कि अपने आप में इसका नाम काफी है, आप जब इसको यूज करेंगे तो फील कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा होम केयर है, इसके हर एक होम केयर ऑर्गेनिक है, स्पेशली एलओसी लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर है, मल्टीपर्पज है, सब हर मल्टीपर्पज मल्टी क्लीनर के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा परस्यू है, पता है आपको कोरोना में परस्यू कितने यूजफुल था, सारा का सारा वायरस वगैरह ये सब को क्लीन करने में काफी यूज हुआ, बहुत से हॉस्पिटल्स में यूज हुआ और सारा का सारा चीज है इसका। होम केयर में आपका डिश ड्रॉप है, एसएएस है जिससे हम कपड़े साफ करते हैं और कपड़े बहुत ही आसानी से धुल जाते हैं। तो ये सारा कुछ है फ्रेंड्स, हम लोग के पास डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट है। इसके अलावा पर्सनल केयर है, जो हम खुद के लिए यूज करते हैं, जैसे सुबह उठते हैं तो ब्रश करना हो गया, नहाना हो गया, आपका शैम्पू डिओड्रेंट सारा कुछ जो हम पर्सनल यूज करते हैं वो सारा कुछ इसमें है। और इसका पाउडर जो है पर्सोना का पाउडर भी है और इसका नारियल तेल वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैं एक नारियल तेल देखा जो कि बोल रहे थे ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक, वो 500 ml का था और उसका प्राइस था 600 rupees। आप सर्च कीजिएगा कब अमेजन पे तो मिल जाएगा आपको। और हम लोगों का नारियल तेल इतना वर्जिन है, आप इसको खा भी सकते हैं, बहुत लोग इसको खाने में यूज करते हैं। तो इसके हर एक प्रोडक्ट फुल्ली ऑर्गेनिक है और बहुत सस्ते हैं अगर आप दूसरे से कंपेयर करें तो। अब हमारे पास एमवे क्वीन भी है। एमवे क्वीन जो है ये ऐसा बर्तन है जिसमें कि 30 ईयर्स वारंटी दिया गया है और जीरो कुकिंग जीरो वाइल पे काम करती है। मतलब जब हम खाना बनाते हैं तो बिना वाइल का खाना बन जाता है, जिससे हमारा हार्ट बहुत ही हेल्दी रहता है फ्रेंड्स। आज के टाइम पे हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है टेंशन और दूसरा ज्यादा वाइल यूज करना, तो इस बर्तन में हम जीरो कुकिंग वाइल फॉर्मूला से यूज करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हैं जिसमें कि एटमोस्फेयर मिनी जैसा एक बहुत ही शानदार एयर फिल्टर है, जो कि घर के लिए भी यूज होता है और कार के लिए भी यूज होता है। फ्रेंड्स आपको पता है इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं, अब ये बिजनेस यहीं पे रुका नहीं है, अपने आप को हर वक्त अपडेट कर रहा है। अभी न्यू लॉन्चेस सितंबर में बहुत सारे आ रहे हैं, आर्टिस्टिक के स्किन न्यूट्रिशन रेंज आ रहे हैं। इसके अलावा जो है ये प्रोडक्ट अपना लो जीआई वाइट राइस लाया है, जहाँ पे कि हम इस राइस को खाएंगे तो जो शुगर लेवल है ये सब जो है ये सब मेंटेन रहता है, ये सारा कुछ। इसके अलावा ये जो एमवे है अभी गुरुकुल जैसा लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, जहाँ पे हम स्टिक करके अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे से चेंज कर सकते हैं और अपने लाइफ के साथ साथ बहुत से लोगों के लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और ये जो गुरुकुल है ये बाकी जैसा बाकी स्कूल जैसा नहीं है, ये गुरुकुल जो है ये यहाँ पे ऐसे लोग हमें एजुकेट करते हैं जो कि खुद सक्सेसफुल लीडर हैं, जो खुद करोड़ों रुपया का अर्निंग क्रिएट कर रहे हैं। वैसे लोग जैसे कि आप ब्रेस्ट सर को देख लीजिए, ये इस बिजनेस में फर्स्ट राउंड है और ये कनाडा में डॉक्टर्स हैं। प्रेमत सर को ले लीजिए, इनके बारे में भी क्या करना, एक सिविल सर्विसेज का बहुत ही अच्छे पीसीएस लीडर थे, ये बहुत ही टॉप आईएएस ऑफिसर थे और इस बिजनेस के थ्रू कितने लोगों का लाइफ को चेंज किया, आप इनके बारे में सर्च कीजिएगा गूगल पे यूट्यूब पे तो आपको मिलेगा इनके बारे में। इसके अलावा जो है आपका बर्नाली सर का भी, बर्नाली मैम और शांतनु दत्ता सर का भी जो कि कोलकाता से हैं, ये भी काफी अच्छे लीडर हैं। ऐसे ऐसे महान लीडर हमें एजुकेट करते हैं और खुद हम आशीष के झा सर जो कि हमें
हर वक्त गाइड करते हैं, हमेशा गाइड करते हैं, जो कि एक कंपनी में एक एमएनसी कंपनी इसके सीईओ और जोनल हेड हैं। जोनल हेड आपको क्या होता है पता ही होगा फ्रेंड्स, ये खुद बीटेक किए हुए हैं, एमबीए किए हुए हैं, उसके बाद इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और यहाँ हमें हेल्थ वेल्थ बहुत ये तो मिलती ही है, साथ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है कि हम खुद को बेहतर बना पाए और लोगों को बेहतर बना पाए। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आज मैं कोशिश किया अपने तरफ से इस अपॉर्चुनिटी को समझा पाऊँ। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आपको जो लोग भी इन्वाइट किए हैं आप उनसे एक बार उनके साथ बैठें, समझें, यह बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, इसको समझने की कोशिश करें। अगर आप समझ गए इसको कर लिए तो आई श्योर कि हमारा जो लक है वो हमारे साथ है और आपका किस्मत बदल जाएगी। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स टू यू ऑल, थैंक्स टू एवरीवन, बैक टू होम। या क्या बात है, क्या बात है वरुण, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा आपका और वाकई में लगा ही नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम ये प्रेजेंटेशन किया है। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी नए लोग होंगे आज के इस सेशन में और जितने भी लोगों ने आज के इस प्रेजेंटेशन को देखा होगा काफी कुछ क्लियर भी हुआ होगा। और जैसा कि मैं अगर बताऊं तो ये यूथ के लिए भी काफी माने फायदेमंद है और जिस तरह से वरुण ने इसको लेकर के स्टार्ट किया है ना आज का ये प्रेजेंटेशन, वाकई में काबिल तारीफ है और जबरदस्त रहा है सेशन आज का। और इसके लिए मैं अपनी तरफ से, मैं विशाल गीता की तरफ से भी हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि वाकई में फर्स्ट टाइम लगा ही नहीं मुझे और बहुत ही औसम प्रेजेंटेशन था। और यहाँ पे आगे का जो सेशन है मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा किशोर जी को, कि अगर किशोर जी मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो आगे का जो पार्ट है आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओवर टू यू किशोर जी। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वार्म वेलकम, एंड इट वाज अ, वी कैन गिव अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू वरुण, दैट वाज अ ऑसम प्रेजेंटेशन एंड विद इन लिमिटेड टाइम ही हैज ब्यूटिफुली एक्सप्लेन, अ वंडरफुल राउंड ऑफ अप्लॉज टू वरुण, that was really explained in a short span of time, he has explained very beautifully and wonderful hosting. We can give a big round of applause to Vishal and Geeta Prasad ji. So we find here a few new people who are into the business, like they have connected to the for the first time. If anybody have any questions, you can ask. Building with a lot of passion and dreams. So thank you very much for all the people who have connected for this session, and within the next 24 to 48 hours, please sit with the person who has invited you and take information, study the information, and you can, if you have any questions, sit once again with the person who has invited you and take information from them. And we welcome you all for this wonderful journey of entrepreneurs. Next agenda of this meeting is we have a few successful people all the way connecting from different parts of India who are building this business opportunity passionately. So I'll invite a few leaders who can share their message to the team. First of all, I invite once again Geeta and Vishal Prasad. Thank you, Kishore ji. First of all, maybe better half baat karengi. जी नमस्ते सभी को, मेरा नाम गीता शर्मा प्रसाद, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। और आज के प्लान के लिए मैं क्या बोलूँ, मुझे काफी प्राउड फील होता है कि ये जिसको आपने सुना एज अ यंग, वो मेरे ही ग्रुप से है और मुझे काफी अच्छा लगा कि इस तरह की यंग जनरेशन और आज इतना मतलब ओरिएंटेड होकर के इस बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और वन लाइन मैसेज यही है कि देखिए इस तरह के, अगर इस तरह के एज में अगर वरुण ने इस बिजनेस को समझ लिया है तो आप समझ सकते हो कि एक मतलब सर्टेन एज जाते जाते वो कहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैं बोलूंगी सही समय यही है और जब जब दिमाग खुले वही समय सही होता है। तो इस बिजनेस को समझिए जिसने आपको बुलाया है और उनसे एक बार जरूर बैठिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है बिजनेस, ये छोटा नहीं है, इसको समझने के लिए भी थोड़ा बड़ा वेज दीजिए। सो थैंक यू, थैंक यू गीता। और गीता ने सारी बातों को कही दी है और क्या बताएं, मैं तो सही मायने में कहना चाहूंगा कि ऑसम प्रेजेंटेशन था और काफी अच्छे रिस्पांस आपको देखने मिलेंगे अगर आप कमेंट्स को देख पाए होंगे वरुण तो। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही है, बेस्ट विशेष है और बैक टू द होस्ट। थैंक यू गीता एंड विशाल प्रसाद जी, दैट वाज अ
Thank you for sharing your insights. Thank you very much. Next, we have a wonderful leader all the way connecting from Kanpur, Siddharth Tiwari. सभी को नमस्कार. मेरा नाम सिद्धार्थ तिवारी है और मैं कानपुर से हूं और पिछले समय एक बिजनेसमैन हूं और पार्ट टाइम में इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्डअप कर रहा हूं. तो सबसे बड़े बहुत बड़े कॉन्ग्रेचुलेशन वरुण जी के लिए. इतने जैसा कि लोगों ने बताया कि फर्स्ट प्रेजेंटेशन था, लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल और बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दिया. और जो होस्टिंग एज यूजुअल जहाँ तक हमने सुना है इस डिजिटल मीटिंग में वरुण और गीता जी को, हमेशा इन लोग की होस्टिंग बहुत अच्छी रहती है. और किशोर जी तो होस्टिंग के लिए बिल्कुल क्या कहना चाहिए, वर्ड्स नहीं है, है ना. तो बिल्कुल परफेक्ट है ना किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. फ्रेंड्स, हम सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए. हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है ना, तो जिससे उसकी जीविका चलती है. फ्रेंड्स, ये बिजनेस जीविका के लिए नहीं है, ये जीवन के लिए. हम सभी लोग जीविका कमाने में कभी कभी इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी जीवन को ही खो देते हैं, लेकिन ये बिजनेस आपके जीवन को फिर से वापस देता है, आपके हैप्पीनेस को फिर से वापस देता है. तो नए लोगों से यही मैसेज है, अगर वो आए हैं यहाँ पे तो एक बार इसको फिर बिजनेस को देखें जिन्होंने बुलाया, उसके साथ बैठे और इतनी खुशियां मिलने वाली हैं इस बिजनेस के जो यकीन नहीं कर सकते. थैंक यू, बैक टू होस्ट. थैंक यू सिद्धार्थ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वार्म व्हाट यू कॉल. एज ऑलवेज यू हैव बीन वंडरफुल पर्सन एंड with your short and sweet message that you always inspire people. Thank you. We always welcome you all for this session. So keep coming to the sessions. Thank you very much for your wisdom and knowledge. So thank you very much. We can give a big round of applause to Siddharth Tiwari ji. Next, we have a wonderful leader all the way connecting from I invite Rajiv Ranjan. Good evening, friends. I'm Rajiv Ranjan, Devghar, Jharkhand. सबसे पहले मैं वरुण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. मतलब पहली बार इतना अच्छा बिजनेस प्रेजेंटेशन बहुत रेयर देखने को मिलता है. मतलब कोई कह नहीं सकते हैं कि इनका आज का पहला प्लान हो रहा था. मैं खुद इनका शुरू से लेकर लास्ट तक प्लान देखे, काफ़ी अच्छा लगा था और काफ़ी खुशी हुई कि इतने कम समय में बिजनेस को शुरुआत करना और आपका प्लान दिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ा हिम्मत का. तो बहुत बहुत बधाई वरुण जी, बहुत अच्छा. इस पर मेरी प्रार्थना है कि आप इसी तरह से खूब मेहनत करें और अच्छे से बिजनेस को बिल्ड करें. थैंक्स सर. नए दोस्तों के लिए मेरा बस इतना ही मैसेज है दोस्तों कि ये बिजनेस काफी खूबसूरत है, काफी अच्छा है. आप अपने जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हो, चाहे वो पैसे से हो या फिर समय से, सब कुछ यहाँ पे आप पा सकते हैं. जरूरत है इस बिजनेस को समझने, क्योंकि इतना कम समय में इस बिजनेस के बारे में बता पाना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं. जिन्होंने आपको बुलाया है इस बिजनेस को देखने के लिए, आप उनके साथ जरूर बैठिए और अच्छे से बिजनेस को समझिए. जो हो सकता है आप जो अपने जीवन में कमी महसूस कर रहे हैं वो चीज फुलफिल कर दे. मेरी तरफ से इतना ही और विशाल गीता जी को बहुत बहुत बधाई एक अच्छा डाउनलाइन मिलने के लिए और इतना अच्छा आज का इनका होस्टिंग रहा. और किशोर जी तो विशेष रूप से उनका काफी अच्छा होस्टिंग रहता है. बैक टू किशोर जी. थैंक यू. थैंक यू राजीव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वंडरफुल इनसाइट्स, विजडम, नॉलेज. So thank you very much for sharing your insights. You can give a big round of applause to Rajiv Ranjan ji. Next we have wonderful couple all the way connecting from east. So Deepthi ji and Dr. D.K. Mahanta. Okay, thank you so much, Kishore. And Varun, क्या बताया आपकी प्रेजेंटेशन. जैसे बोला ना सभी ने कि आज पहली बार हो रहे हैं ऐसा लग ही नहीं रहा है. जैसे बहुत एक्सपीरियंस्ड हो ऐसा एक प्रेजेंटेशन आपने दिखाया है. और सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि कभी भी हम लोगों के बीच में से जो नए जैन वाई जब निकल के आते हैं. और ये है कि बिजनेस लीडर बनाने का, यहाँ पे बहुत टाइम लोग बोलते हैं कि क्या मुझे यहाँ आके सेल करना पड़ेगा, किसी को प्रोडक्ट सेल कर घर घर जाके बेचना पड़ेगा, लोगों को ज्वाइन करते रहना पड़ेगा. इससे अच्छा कि आप लीडर क्रिएट करो. और यही है कि एक एक लीडर जब जो जैन वाई है वो जब निकल के आते हैं और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस बिजनेस को समझते हैं तो उससे खुशी. तो
वरुण को तो कंग्रेचुलेशन है ही, और उससे भी बढ़िया बड़ा सा कंग्रेचुलेशन विशाल अंकिता जी को कि इतनी बढ़िया एक डाउनलाइन है, इसको केयर करके रखना है। और वरुण आपको भी समझना है कि इस बिजनेस के थ्रू आपको क्या पाना है। तो थैंक यू सो मच, एंड माई सेल्फ गीति डी मोहनडा फ्रॉम फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड एंड वी आर फ्रॉम आसाम, एंड मेरे साथ दीपक भी है। तो प्लीज ओवर टू यू। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग किशोर जी, इतना अच्छा बेटर हाफ होने का फायदा उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना कुछ बोल देते हैं मुझे बोलने के लिए कुछ रहता ही नहीं है, तो इसलिए ऐसा बेटर हाफ भी होना बहुत जरूरी है। और वरुण जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, क्योंकि एकदम नया है और हम लोग के लिए आप लोग एक इंस्पायरेशन है। तो इतना ही बोलेंगे कि जितना भी न्यू कमर है तो उन लोग भी ऐसे आगे बढ़े और हम लोग भी इंस्पायरेशन मिले, ताकि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू गीति जी एंड डॉक्टर बी के मोहनता, इट्स वेरी नाइस टू सी यू ऑन वन फ्रेम। थैंक यू वेरी मच, वी कैन गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू फॉर देयर नॉलेज एंड विजडम। नेक्स्ट वी हैव सार्थक जी, आई इनवाइट वंडरफुल लीडर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड इट वॉज अ वंडरफुल प्लान, बहुत अच्छा प्लान था। एज अ फर्स्ट टाइमर मैं तो ये कहूंगा बहुत अच्छा था, और फ्लुएंसी जो थी वो बहुत बढ़िया थी, जो उन्होंने डिलीवर किए, वर्ड्स जो डिलीवर किए बहुत ही शानदार थे। मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर वरुण, और बहुत ही मजेदार प्लान रहा, और मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छा है, कीप इट अप, कीप ग्रोइंग, गो डायमंड। थैंक यू सो मच, बैक टू होस्ट। Thank you, Sarthak ji. Thank you very much. We can give a big round of applause to Sarthak ji. I'll hand over to Vishal ji. थैंक यू किशोर जी। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे किशोर जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन और ऑनलाइन इंपैक्ट मैसेज दें आज के इस प्रेजेंटेशन के लिए। तो ओवर टू यू किशोर जी। Thank you very much. That was an awesome presentation. As always, like people say, the person at a very young age, he could understand the concept and the idea of building this wonderful business of entrepreneurs. So this business is like, the other day I was listening to a group of people who are like, we are there. They were saying that this business is way of life. You know, we are not doing something new. This is a way of life where we are building it, changing our buying habits, and helping others. Like you help. We are the pioneers in wellness and industry, right? We are the number one in the wellness industry. We are the pioneers. There is no other word where we can say that we are the pioneers. Nutrilite is one of the largest selling vitamins and world's leading number one selling vitamins and supplements. So we are the pioneers. We are proud that we are the number one in the industry of health and new wellness and skin and beauty care. That was we should be very proud of a 9 billion company where we can, we have a partnership with one of the giant corporation which is growing leaps and bounds, and they are being the pioneers for the longest years. 64 years have been, 63 and a half years it has been passed, right? So we are fortunate that we got this opportunity and building it with a lot of passion, and we are helping a lot of people to grow big time. So thank you very much once again, Varun. It was a wonderful presentation, and so once again a great hosting, Vishal and Geeta Prasad. Over to you. तो जी, और सही में बहुत ही बढ़िया आपने शेयर किया। तो और अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ चुके हैं, और हमारा जो आज का जो ओपन मीटिंग का सेकंड पार्ट आ चुका है, और इसके लिए मैं फिर से ब्रांड न्यू 3% जो है वरुण जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी कि आज का जो ट्रेनिंग है वो लोगों के साथ शेयर करें। सो ओवर टू यू वरुण, ट्रेनिंग पार्ट को शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। तो
फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी ने अभी अच्छे अपॉर्चुनिटीज देखा और सभी के सभी लीडर्स को सुना कि हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सबका जो माइंडसेट है वो कितने अच्छे हैं। तो ये सब कुछ जो हमारे अंदर जो डेवलप होता है इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स होता है, जैसे कि हम लोग का जो कुछ बेसिक पार्ट होता है कि वो करना ही करना है। ऐसे इस बिजनेस का भी 4 बेसिक्स है जिसको हमको फॉलो करना, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारा एक बहुत ही बड़ा एम्पायर, बहुत ही बड़ा बिजनेस जनरेट हो सकता है। वो 4 बेसिक का जो सबसे फर्स्ट स्टेज है वो लिस्ट, आपको 2 तरह से लिस्ट बनाना है। फ्रेंड्स, आप तो जॉब कर रहे हो ना, वहां से तो आपका सारा कुछ पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा तभी आप यहाँ आए हो। तो पहला लिस्ट आपको बनाना है ड्रीम लिस्ट, कि आपके सपने कितने बड़े हैं और क्या क्या जो ड्रीम्स है वो आपके पूरे नहीं हो रहे हैं जो इस बिजनेस से आप करना चाहते हैं। और उसके साथ ड्रीम लिस्ट बनाने के बाद आपको बनाना है पीपल लिस्ट, कि आप किन किन पीपल से इस बिजनेस के बारे में आप शेयर करना चाहेंगे, किन किन लोगों के लाइफ को आप बदलना चाहेंगे। दूसरा, जब आप ये लिस्ट बना लेते हैं तो सेकेंड है कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइट। अब आपको जो है वैसे वैसे पीपल जो लाइफ में सिंसियर कुछ करना चाहते हैं वैसे वैसे लोगों से कॉन्टेक्ट करना है, उनको इन्वाइट करना है, उनका पास कुछ हम लोग को कुछ जल्दी नहीं करना है। उनको जब कॉन्टेक्ट करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि उनके पास टाइम हो और उसका माइंड क्लियर हो और वो हमारे बातों को अच्छे से, जब ऐसा टाइम मिले तब उनके पास जाना है और प्लान दिखाना है, उनको प्लान दिखाना है, बेसिकली प्लान दिखाना है और डिस्कस करना है कि ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम मिल करके काम कर सकते हैं। और उसके बाद आपको फॉलो अप करना है उन करके क्या सोच रहे हैं, स्टार्ट कब करना है सारा कुछ। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जो कभी कभी क्या होता है, हम डिसीजन लेने में देर कर देते हैं और हमारा जो काम है ना वो डिसीजन के चक्कर में पूरा लाइफ खत्म हो जाता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं और हम उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उनको फॉलो अप करना है, फॉलो थ्रू करना है, उनसे बात करना है बिजनेस के बारे में और समझाना है, डिस्कस करना है। और ये 4 बेसिक्स को पूरा कर लेंगे हम, इससे ये बिजनेस आपके लाइफ मतलब सर्वाइव के लिए नहीं, ये लाइफ के लिए बिजनेस है। यहाँ पे आप अपने जीवन को जी सकते हैं, ना कि जीवन को काट सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं आप तो जॉब कीजिए, लेकिन अगर अपने पैर से दौड़ना चाहते हैं तो फिर इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। थैंक्स सर, बैक टू वर्क। क्या बात है, थैंक यू वरुण, और काफी अच्छे ढंग से आपने ट्रेनिंग को कवर किया है। बेसिकली बताएं तो यही एक ट्रेनिंग पार्ट का सबसे अहम हिस्सा होता है जो सभी को करना पड़ता है, चाहे हम हो या फिर तो बताना चाहूंगा जो आज का हम लोगों का टाइम ड्यूरेशन था, उस शॉर्ट टाइम में आपने प्रेजेंटेशन को भी कंप्लीट किया है और प्रेजेंटेशन के साथ साथ में जितने भी नए लोग खास करके जुड़े थे, 1-2 मिनट पहले लोग डिस्कनेक्ट भी हो गए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जितने लोग आए थे आप लोग इस प्रेजेंटेशन को एक बार फिर से देखें। और जैसा कि वरुण ने जितनी एनर्जी के साथ में आज का सेशन कवर किया है ना, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई देंगे विशाल और गीता की तरफ से, और आप को इतना सारा कॉन्ग्रेचुलेशन मिल चुका है और बेस्ट विशेस है हम सभी की तरफ से। और जो ट्रेनिंग का पार्ट आपने कवर किया है, हम ये बोलना चाहेंगे कि मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन ही था, सेकंड प्रेजेंटेशन था कल, फर्स्ट प्रेजेंटेशन सर हमको प्रैक्टिस काफी कुछ बहुत कुछ रीच किए थे, तो विशाल सर के लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए क्योंकि ये हमको प्रिपेयर किए इसके लिए। तो थैंक्स सर, ओके थैंक यू ये वरुण। और एक्चुअली क्या है, जैसे कि बाकी सारे लीडर्स ने भी बताया ना कि ये एक फुल फैमिली है और यहाँ पे क्या है, हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, टेक केयर वाली बात होती है, और यहाँ पे हम लोग अपने ग्रुप के लीडर्स से तो सीखते ही सीखते हैं, बाकी जो हमारे जो इंटायर LOS है जहाँ पे हमारे कई सारे लव लाइन्स हैं उनसे भी हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन काफी फ्रूटफुल रहा होगा, और जितने भी नए लोग हैं मैं बार एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि एक बार जरूर बैठें, एक बार चीजों को फिर से देखें और समझें और एक सही डिसीजन लें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और इतना कहने के बाद कुछ बचा नहीं है कुछ कहने के लिए, क्योंकि काफी सारे लीडर्स ने भी कई सारी चीजों को क्लियर किया है, अपना ऑनलाइन मैसेज भी दिया है, फिर भी हम जरूर यहाँ पे बताना चाहेंगे अगर इसके बाद भी कुछ चीजों को समझना और सुनना है तो एक बार जरूर बैठे हैं।
तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे जो चीजें शेयर करने वाले हैं वो ये है कि आज का फुल प्रेजेंटेशन काफी इम्पैक्टफुल था, और शॉर्ट मैसेज ये मेरी तरफ से कि फर्स्ट टाइम फिर भी लाजवाब और इम्पैक्टफुल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया है वरुण, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।